कापुर इल्हामे इल्हामी आरंजीन खुश के रहे मना करीन दस फरतुल्ला बाबर साहब की खवातीन हजरात, मैं सबसे ज्यादा ममनून हूँ जनाब आसिफ खान साहब सीईओ भुट्टो शहीद भुट्टो फाउंडेशन का कि उन्होंने आज की तकरीब की मेजबानी की और ये तकरीब बर्पा की। उसके बाद सब दोस्तों का जहाँ पर जितने लोगों ने गुफ्तगू की, आसिया वीर ने और डॉक्टर फरत ने, डॉक्टर सूफिया ने और डॉक्टर शाहिद कामरान ने, मैं सबका ममनून हूँ और सब आने वालों का ममनून हूँ। मैं दिल से कहा इसलिए कि जितने लोग स्टेज पर इल्मी फिक्री तौर पर बैठे हैं उसी सतह पर पीछे, और सबसे ज़्यादा मैं ममनून हूँ जनाब फरतुल्ला बाबर साहब का जो पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन कम होता है इल्म का, मालूमात का, अमली सियासत का और हम्बलनेस का। और मैं इनका ममनून हूँ कि उन्होंने ज़्यादा दोस्तों को सुना, मैं थोड़े लोगों की तकरीबात का हामी के स्पीकर हूँ, लेकिन मैं चाहता था ज़्यादा लोग शामिल हों इस बहस में। मैं आपको से माजत था हूँ कि आप सब दोस्तों का ज़्यादा वक्त लिया, मैं ना कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा अपनी शरीके हयात रीमा अब्दुल्ला गोई जी। वो पाकिस्तानी नहीं है, लबनानी है, हम दोनों का तो इश्क है लेकिन हमारा एक मुश्तर का इश्क है, वो है तुर्की और तुर्क कि उन्होंने वबा के दो साल अगर मुझे ना मिलते, ये फुर्सत ना मिलती तो शायद ये मैं किताब ना लिख पाता, क्योंकि इस किताब को लिखने के लिए मुझे तलमीज़ हकानी साहब कहा करते थे, जिनका मैंने लाहौर में भी जिक्र किया। तारर साहब किसी को उस्ताद नहीं मानते, सिर्फ तलमीज़ हकानी साहब को मानते हैं। उन्होंने ही निकले तेरी तलाश में किताब उनको इशाद करने के लिए कहा, उन्होंने ही नाम तजवीज़ किया। मैं तो 22-23 साल का था, वो बागदार में थे और लैलो नहार के पस मंजर के लोगों में से थे। उन्होंने मुझे तारर साहब से उसी वक्त मिलवाया जब मैं टर्की से होके आया, तो कहते थे तुम लिखो, और जो अगला जुमला कहते थे अगर तुम लिखोगे तो वो नहीं मैं बताऊंगा, चूँकि तारर साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। बात यह है कि ये दो साल मेरे पास जो फुर्सत के मिले, मैंने अपनी याददाश्त को तो खरीदा, लेकिन अपने अब्बा जी का ममनून हूँ जिन्होंने हमें चौथी और पाँचवीं क्लास में डायरी लिखने का सबक दिया। और जब मैं ये लिख रहा था, मेरे वाले साहब हयात थे, 17 जून 2020 को उनको एकदम डेथ हुई, तो कह रहे थे हाँ बेटा तुम लिखो, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, और वो बड़े मुंतज़िर थे। लेकिन ये किताब मैंने मारमरा के किनारे बैठ के लिखी, दुनिया की खूबसूरत बस्ती है तुर्की जिसको कहते हैं, और उस तुर्की का हुसन जो है मारमरा रीजन है। ये जो तुगरल आप देखते हैं, ये जो उरहान सुल्तान देखते हैं, ये जो आप उस्मान सुल्तान देखते हैं, ये उसी वादी में, उसी सरजमीन, उसी खत्ते, उस जमीन, बल्कि जिस जमीन में मैं रहता हूँ वो उस्मान गाजी की सरजमीन, वो उसकी मलकियत थी जहाँ मैं रहता हूँ। गर्मियों में जाके मेरा एक छोटा सा घर है, तो मैंने वहाँ बैठ कर ये किताब लिखी इसलिए कि मेरे पास फुर्सत थी। हाँ, मैं ऐसे कर सकता था, जल्दी जल्दी लिखता वो बाकी दिनों में चौथे महीने एक किताब आ जाती, लेकिन ये किताब लिखना इसलिए ज़रूरी थी कि मैंने ये ट्रैवलिंग जो की थी, ये दरअसल अरशाद अहमद हक्कानी साहब जो पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग उनका तजिया पढ़ने के लिए बेचैन होते थे, लाखों नहीं, वो अक्सर मेरा जब